इतनी भी ज्यादा फास्ट नहीं बढ़ रही जितनी मैं सोच रहा था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बस समझ लो 6 से 7 XP मेरी बढ़ी है। और यहाँ पर सामान देखो भाई, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और यहाँ पर ये गोल्डन चेस्ट प्लेट। फिलहाल यार बहुत सारे लोग ना मुझे ये बोल रहे थे कि लास्ट वाले एपिसोड में तुम्हारे पास ज़ॉम्बी एग कहाँ से आ गया, वो तो क्रिएटिव मोड से मिलता है। तो हाँ भाई, मैंने क्रिएटिव मोड करा था उसको लेने के लिए, क्योंकि यार मैंने एक बहुत ही तगड़ी चीज बनाने वाला हूं, तो उसके लिए ना मेरे को एक चीज टेस्ट करनी थी कि वहां पर ज़ॉम्बी अगर जाते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं। मतलब अभी ना उस जगह के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, वो आपको माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मतलब कि अब जो चीज बनने वाली है ना, अगर वो एक बार सक्सेसफुली बन जाती है तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा। और हाँ, वो मैं पूरी सर्वाइवल में बनाने वाला हूँ। मेरा जो एक्सपी फार्म था जिसके अंदर मॉब्स नहीं आते थे, तो भाई साहब मॉब्स भी स्पॉन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैंने अपनी एक्सपी को घर बैठे अनलिमिटेड बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर ना एक अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने दो दो रख दिए। अभी फिलहाल अपने पास टोटल 8 फर्नेस है, 4 राइट साइड पे, 4 लेफ्ट साइड पे, और इधर एक चेस्ट है जिसके अंदर काफी सारा कोबलस्टोन, डर्ट एंड नॉर्मल स्टोन है। फिलहाल ये वाली चेस्ट अभी खाली है और मुझे मालूम भी नहीं है कि इसके अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ। सोच रहा हूँ जितना भी वुड का आइटम होता है ना, वो सारा इसके अंदर रख दूँ। बाकी ये वाली जो चेस्ट है इसके अंदर मैं फूड आइटम रखने वाला हूँ, जैसे की